हेलो स्टूडेंट हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट हाउ टू लर्न द फार्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक है सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं ठीक है तो बहुत सारे फार्मूलाज हो जाते हैं तो कैसे फार्मूलाज को याद रखना है सो सो लुक ओवर देयर फर्स्ट वट इज बेसिक देयर आफ्टर इट बिकम्स वेरी इजी ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट जैसे सपोज ये हमारे पास एक चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है ठीक है तो Q1 और Q2 ठीक है तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है R है ठीक है तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होती थी तो इसलिए कुल्लम्स जो हमारे पास कुल्लम्स लॉ से हम क्या करते थे इनके बीच में फोर्स निकालते थे तो फोर्स क्या आती थी इनके बीच में के प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज के, के वन अपॉन में स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस हो जाता था ठीक है तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला आपने शुरुआत के लिए यूज करना है ठीक है तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इस फार्मूले से लिखी गई अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर अगर हम बात करें हाउ मच इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अगर आपको इन्हीं दो चार्जेस के बीच में बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू कितना हुआ ठीक है तो आपने क्या करना है स्टूडेंट ये जो कुल्स लॉ में जो फार्मूला आपने लिखा ठीक है इस फार्मूले में ये जो पावर है उसको एक से कम कर देना है आपने कितनी थी आर स्कुर? आर स्कुर, आ, जो पावर है ना उसमें से एक कम करना है तो क्या रह जाएगा आर रह जाएगा तो इसलिए क्या बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर ठीक है वैसे ही अगर आपको वर्क डन निकालना है दो चार्जेस को असेंबल करने के लिए ठीक है तो उसका फार्मूला भी यही हो जाएगा क्योंकि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ठीक है नाउ द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट हमारे पास जैसे एक uh, जैसे सिंगल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने बात करनी हो मान लो मुझे बताना है इस क्यू वन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर कितनी होगी ठीक है तो किसकी बात हो रही है ओनली q1 चार्ज की बात हो रही है ठीक है तो जिस भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहते हो ठीक है तो कुलम्स लॉ में आपने क्या करना है वही चार्ज रखना है बाकी दूसरे को हटा देना ठीक है तो इसलिए मुझे किसकी बात करनी है q1 चार्ज की तो q2 को हटा दो तो इसलिए क्या रह जाएगा फार्मूला के क्यू वन बाई आर स्कोर दिस इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू वन एट आर डिस्टेंस ठीक है और स्टूडेंट अगर मुझे कहना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस क्यू वन का आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा तो आप क्या करो आ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसमें जो पावर आ रही है उससे एक कम कर देना ठीक है तो क्या हो जाएगा के क्यू वन वाई आर हो जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा उस क्यू वन चार्ज का आर डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट जो डायपोल की बात हम करते थे डायपोल ठीक है तो डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होती थी तो एक्सियल लाइन के ऊपर होती थी के पी वाई आर का क्यूब ठीक है तो ये हमारे पास टू से मल्टीप्लाइड होती थी डबल ऑफ के पी वाई आर का क्यूब ठीक है तो अगर आपने स्टूडेंट यहाँ पर जो इक्वेटोरियल की बात करनी है तो इक्वटोरियल के ऊपर कितना होगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने क्या करना है इस टू को हटाना है बाकी ये एस इट इज बाकी फार्मूला रह जाएगा के पी वाई आर क्यू लेकिन ये कब होता था जब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ एल ये उस सिचुएशन में हम यूज कर रहे होते हैं ठीक है नाउ ओवर हियर स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उस डायपोल की वजह से एक्सिल के ऊपर क्या हो जाता था ठीक है तो आपने क्या करना है इसमें से पावर में से एक कम करना है तो के पी वाई आर स्क्वायर और इस टू को हटा देना है ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक्सिल लाइन के ऊपर डायपोल की वजह से हो जाएगा ठीक है और अगर हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे स्टूडेंट तो इक्वेटोरियल के ऊपर तो हमारे पास वो क्या हो जाता था जीरो हो जाता था okay so hope so that uh, this becomes uh, easier method for you to learn the formulas thank you